हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए देखने को मिलेंगे, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 10%, 3 महीने में 20%, 6 महीने में 28% और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 49% की गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 50 पैसे। 50 पैसे के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा, और यहीं से स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म हाई बनता हुआ देखने को मिला 1.25 रुपीज। 1.25 रुपीज के इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म हाई पर लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में फिर से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 0.78 रुपीज। 0.78 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 1 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में जब तक एक कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज नहीं निकल कर आती, स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में खरीदारी देखने के बहुत कम चांस देखने को मिलेंगे। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए और फ्रेश खरीदारी से कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक से बचना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।